दोस्तों अहमदाबाद टीम ने अपना ऑफिशियली नाम जारी कर दिया। अहमदाबाद टीम का नाम अहमदाबाद टाइटंस रखा गया। जी अहमदाबाद टाइटंस के नाम से ये टीम आईपीएल में जानी जाने वाली है। वहीं अहमदाबाद टीम एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ ऑक्शन में बैठने वाली है। तो ऐसे में कौन कौन से प्लेयर को ये टीम टारगेट करने वाली है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में, और कैसा स्क्वाड रहने वाला है अहमदाबाद टाइटंस का आईपीएल 2022 में, मैं थोड़ा में सारी जानकारी देने वाले। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले अहमदाबाद टीम की स्ट्रेटेजी तो आपने देख ही ली होगी। तीन बड़े दिग्गज प्लेयरों को आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया और ऐसे खिलाड़ी को कप्तान भी बना दिया। जिन तीन खिलाड़ियों को इस टीम ने रिटेन करके अपने स्क्वाड में शामिल किया उनमें पहला नाम हार्दिक पांड्या, दूसरा नाम राशिद खान और तीसरा नाम शुभमन गिल है। ये तीन बड़े दिग्गज प्लेयरों को ऑलरेडी इस टीम ने अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया, तो हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया अहमदाबाद टाइटंस का। अब बात करते हैं आईपीएल 2022 के टारगेट प्लेयर की, कौन से स्ट्रेटेजी के साथ किस प्लेयर को ये टीम टारगेट करने वाली। तो सबसे पहले अहमदाबाद टाइटंस एक ओपनर को टारगेट करने वाली है और ओपनर के रूप में दोदत पडिक्कल को टारगेट करके अपने स्क्वाड में शामिल करने वाली है। शुभमन गिल ऑलरेडी टीम में अवेलेबल है, तो शुभमन गिल और देवदत्त पडिक्कल आईपीएल 2022 में अहमदाबाद टाइटंस के लिए ओपन करते हुए दिखाई देने वाले। दूसरे जो ओपनर हैं जेसन रॉय हैं, जेसन रॉय को भी ये टीम टारगेट करके अपने स्क्वाड में शामिल करने वाली है, यानी कि जेसन रॉय और देवदत्त पडिक्कल को एज अ ओपनर अपने स्क्वाड में ये टीम शामिल कर सकती है। और उसके बाद तीन बेहतरीन बैट्समैन को ये टीम टारगेट करने वाली, जिनमें पहला नाम स्टीव स्मिथ का है, दूसरा नाम मनीष पांडे का और तीसरा नाम सौरभ तिवारी का। ये तीन बेहतरीन बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में काफी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। जहां तीन नंबर पर मनीष पांडे बैटिंग करते हैं, तो वहीं चार नंबर पर स्टीव स्मिथ बैटिंग कर सकते हैं और पांच नंबर पर सौरभ तिवारी बैटिंग कर सकते हैं। इसके बाद अहमदाबाद टीम टारगेट करने वाली है दो बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाजों को, जिनमें पहला नाम निकोलस पुरन का और दूसरा नाम रिद्धिमान शाह का। ये दो बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज है, रिद्धिमान शाह ओपन भी कर सकते, तो वहीं निकोलस पुरन एक बेहतरीन बैट्समैन है टॉप ऑर्डर के, तीन चार नंबर पर काफी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। और उसके बाद ये टीम टारगेट करने वाले तीन बेहतरीन ऑलराउंडर को, जिनमें पहला नाम कृणाल पांड्या का है, दूसरा नाम वाशिंगटन सुंदर का और तीसरा जो नाम है नथन कल्टर नीले का। कृणाल पांड्या एक बेहतरीन बैट्समैन और बॉलर दोनों है, काफी अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं और काफी अच्छी इनकी बॉलिंग भी है। वहीं वाशिंगटन सुंदर कभी कभार ओपन भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं और काफी अच्छी इनकी बॉलिंग अटैकिंग तो रहती है। और नथन कल्टर नीले एक बेहतरीन बॉलर भी हैं और अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, इससे पहले मुंबई इंडियंस के लिए इन्होंने खेला। जिन तीन बॉलरों को टारगेट करने वाली है अहमदाबाद टाइटंस, उनमें पहला नाम भुवनेश्वर कुमार का है, दूसरा नाम एडम जंपा और तीसरा नाम कुलदीप यादव का है। ये तीन बेहतरीन बॉलरों को टारगेट करेगी अहमदाबाद टाइटंस आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में। तो दोस्तों ये रहे आईपीएल 2022 के टारगेट प्लेयर जो अहमदाबाद टाइटंस करने वाली है। वैसे काफी सारी वेबसाइट और काफी सारी रिपोर्ट में ये जिक्र किया गया इन्हीं खिलाड़ियों को लेकर, और इनमें से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन था और आपको क्या लगता है किस खिलाड़ी को आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में अहमदाबाद टाइटंस को नहीं खरीदना चाहिए, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।